सांप्रदायिकता फैलाने की बहस कराकर तमाम जनता का ध्यान भटकाकर एक चोर दरवाजे से एक बेहद खतरनाक कानून लाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। और सबसे पहले वे जनधन योजना लाते हैं। जनधन योजना में तमाम जनता का, गरीब आदमी का, लोअर मिडिल क्लास का, जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं भी था उनका बैंक अकाउंट खुलवाने के प्रयास करती है और नए नए प्रकार की इंसेंटिव देकर उनके बैंक खाते खुलवाती है। उसके लगभग एक सवा साल बाद देश में मोदी सरकार एक और योजना लाती है। उस योजना का नाम है नोटबंदी। नोटबंदी के जरिए देश के आम इंसान को मजबूर किया जाता है कि उसके पास जितना पैसा है वो सारा पैसा बैंक के खाते में जमा करा दिया जाए। तो पहली योजना रही जनधन योजना, जिससे तमाम जनता के बैंक खाते खुलवाए। दूसरी योजना रही नोटबंदी, जिसके जरिए तमाम पैसे को बैंक के खाते में जमा कराया और मजबूर करा और कहा कि यदि आप इस पैसे को बैंक के खातों में नहीं जमा कराएंगे तो आपका पैसा अवैध हो जाएगा, आपका पैसा कागज का टुकड़ा हो जाएगा, आपका पैसा समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नीति मोदी सरकार लाई, यानी कि विड्रॉल लिमिट्स, विड्रॉल की सीमा तय करी। जब आपका पैसा बैंक में जमा हो गया तो आपके ऊपर एक सीलिंग इंपोज कर दी गई, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप इस अमाउंट से ज्यादा पैसा अपने बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में रहे। बैंक के खाते खुलवाओ, मजबूरन सारा पैसा बैंक में जमा कराओ और फिर बैंक से निकालने ना दो, उसकी एक सीमा तय कर दो, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो। अब चौथी योजना इस पूरे इस कार्यकाल में, इस पूरे क्रम में जो जुड़ती है, इस जिग्सॉ पजल का जो आखिरी हिस्सा है, वो मोदी सरकार अपने पार्लियामेंट के शीतकाल सत्र में लाने जा रही है। उस योजना का नाम है द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017, द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017। साथियों, इस बिल के माध्यम से आम इंसान का जमा कराया गया सारा पैसा बैंक हड़प सकता है, आपसे बिना पूछे वो सारा पैसा हड़प सकता है और आपको किसी प्रकार की कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ना आप कानून में कोई रेमेडी है, ना किसी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ना कोई रपट लिखवा सकते हैं। इस कानून से बैंक अपने नुकसान का हवाला देकर यह सारा पैसा हड़प सकता है। अब बैंक को नुकसान कैसे होता है? जो पूंजीपति, अरबपति, बड़े धन्ना सेठ, जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज इन बैंकों से लिया है और अब विलफुल डिफॉल्टर बन गए हैं, यानी कि वे पैसा वापस नहीं कर रहे, तो बैंक को नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई करने का हवाला देकर, इस कानून का सहारा लेकर बैंक इस देश के आम इंसान का सारा पैसा हड़प सकते हैं।